खेतों में लहलहा रही धान की ये फसल देखने में भले ही हरी भरी नजर आ रही हो, लेकिन इसमें लगी बीमारी ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के पडरी कृपाल इलाके में धान की फसल के फाल्स समिट बीमारी की चपेट में आने से किसानों को घाटे का डर सता रहा है। अरे धान में कालापन लाग गया है दानन में बलियन पाए कुछ ना, जब जानकारी हो तब कीन जाए, जानकारी नहीं तब का कीन जाए। फाल समिट को आम बोलचाल में कंडवा या हल्दी रोग भी कहते हैं। इसमें धान की बालियां पीले और नारंगी रंग से ढक जाती हैं, जो बाद में काली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे दानों का पाउडर बन जाता है। हवा के जरिए ये बीमारी एक से दूसरे खेत में पहुँचती है। पंडरी कृपाल इलाके के मुरावनपुरवा, भटवलिया, तिरकोलिया, बदवलिया और रघुनाथनपुरवम समेत दर्जनों गांवों में खड़ी धान की फसल इस बीमारी की चपेट में है। किसान फाल समिट से फसल को बचाने की जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। किसान प्रशासन पर फसल को बीमारी से बचाने के लिए किसी तरह की जानकारी मुहैया नहीं कराने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये पीला रोग लगता है और अभी इसको कोई ना सर्वे करने आया है ना कुछ, और उसके बाद में ये काले रंग का हो जाता है ऐसा, और ये पूरी फसल हमारी बर्बाद होते जा रही है। कोई सरकारी सुविधा भी नहीं इस पे मिल रही है, ना कोई जांच करने के लिए आया, ना कोई दवा का छिड़काव, ऐसा कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को बीमारी से निपटने की जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। उसके लिए जो है हमने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है कि यदि अगर किसान के खेत में ऐसी कोई समस्या दिखाई पड़ती है तो हमने कंट्रोल रूम खोला है, उसमें वो संपर्क करके उससे संबंधित उपचार के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे इसके लिए ये जो मौसम थोड़ा सा ज़्यादा नमी वाला मौसम है, धूप निकल रही है इसलिए भी प्रभावित हो रहा है, और ये बीज की वजह से होता है, बीज में इसके स्पोर होते हैं या मिट्टी में, तो लास्ट में जब बाली निकलती है तो उसमें दिखाई पड़ते हैं। अधिकारी भले ही किसानों को राहत पहुंचाने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। अच्छी फसल से मुनाफा कमाने की किसानों की उम्मीद फिलहाल टूटती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से राजू मौर्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।